नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सरकार ने शराब की बिक्री का वक्त 2 घंटे बढ़ा दिया है और जिसके बाद पूर्ण शराबबंदी का वादा करने वाली सरकार अब सीधे तौर पर विपक्ष के ही निशाने पर आ गई है। अमित जोगी ने सरकार को वादे को याद दिलाते हुए ट्वीट तक कर दिया जिसमें अमित जोगी ने मंत्री कवासी लखमा को डरुआ कहा है। कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आने पर पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद कहा गया कि 2 समितियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार को समितियों की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन सरकार के इस कदम से शराबबंदी को लागू करने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि शराब की दुकानों का वक्त हमेशा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन 3 महीने में सरकार ने शराब की 50 दुकानें भी तो बंद की हैं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश क्या हुआ 13 वादा में। सरकार के फैसले के बाद जूनियर जोगी ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर निशाना साधा। जोगी ने दरुआ को दारू मंत्री बना दिया है और ऐसे में पूर्ण शराबबंदी कैसे होगी? अमित जोगी ने ट्वीट कर शराबबंदी को लेकर 5 बिंदुओं के साथ तंज कसा है। सरकार ने शराब की बिक्री का वक्त 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है। सरकार ने 4 महीने में 50 दुकानें बंद की हैं, जो शराबबंदी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। अब तो बंद कर दिया, 50 दुकान बंद कर दिया। नहीं, ये राजनीतिक है, ये तो थोड़ा बहुत आलोचना होगा, लेकिन हम लोग पहला बार 4 महीना में 50 दुकान बंद नहीं किए, कम नहीं है। और ये जो टाइमिंग है, कभी कम किया जाएगा कभी ज्यादा किया जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वही सरकार के इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। सरकार के मुखिया विपक्ष, आपको बता दें भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए शराब की दुकानों को बंद कराने का अभियान छेड़ा था और रमन सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। अब बीजेपी इससे मुद्दा बनाकर बघेल सरकार पर हमला कर रही है। तो बीजेपी और JCCJ अब सरकार को अपना वादा याद दिला रही है कि जब आप भी विपक्ष में थे तो पूर्ण शराबबंदी की मांग किया करते थे, अब क्या हुआ आपके वादे का? आपने पूर्ण शराबबंदी तो दूर दूर की कौड़ी कर दी, आपने तो शराब की दुकानों में खुलने और बंद होने के वक्त में भी इजाफा कर दिया, मतलब 2 घंटे और आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। यानी कि जो विपक्ष में जो पार्टी है JCCJ और भारतीय जनता पार्टी, अब वो सरकार को इसी मुद्दे पर घेर रही है और पूछ रही है कि जो वादा किया था आखिर कब निभाओगे। तो सरकार ने बढ़ाया सूबे में शराबियों के लिए शराब पीने के वक्त में इजाफा कर दिया है, अब जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है और इसलिए हम पूछ रहे हैं क्या हुआ 13 वादा। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास पैनल हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में इस वक्त जुड़ गया है। तारुफ आपका करवा देते हैं। सुबोध हरितवाल है, युवा कांग्रेस नेता है। सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गौरीशंकर श्रीवास जी, श्रीवास जी बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। निश्चय वाजपेयी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। निश्चय जी बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सुबोध जी आपका रुख करूंगी। भाई जब आप विपक्ष में थे कहा था कि पूर्ण शराबबंदी की जाएगी और अगर नहीं की और लगातार उस वक्त आप तत्कालीन सरकार से भी मांग किया करते थे कि भाई पूर्ण शराबबंदी कीजिए, नहीं तो इससे हम एक बहुत ह्यूज लेवल पे एक बड़ा आंदोलन करने जाएं, अब क्या हुआ भाई सरकार में आने के बाद तमाम वादे तमाम चीजें बदल गई क्या?
دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ بھی نہیں بدلا ہے. چھتیس گڑھ میں جو وعدے کانگریس پارٹی نے کیے تھے, جن وعدوں کے مادھیم سے کانگریس پارٹی سرکار میں آئی ہے, ان کو پورا کرنے کے لیے وچن بدھ ہے. ہم نے اپنا وچن دیا تھا جنتا کو کہ ہم شراب بندی کریں گے, ہم اس پر اڑگ ہیں اور شراب بندی ہوگی. مکھیہ منتری بھوپیش بگھیل جی کے پچھلے بیان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس سے بھی پتا چلے گا کہ وہ بھی اس کے لیے پورنتہ تیار ہے. دیکھیں شراب بندی کوئی بہت آسان قدم نہیں ہے. میڈم میری بات سنیے پہلے. جی میڈم میری بات سن لیجیے, میں شراب بندی پہ میں آ جاتا ہوں, ابھی تو راجنیتک باتیں ہوئی ہیں جو میں نے بولا. شراب بندی کے ادھیان کے لیے دو سمیتیاں بنائی ہیں سرکار نے, جن کا کاریکال ابھی پورا نہیں ہوا ہے. یہ سمیتیوں کا جو کاریکال ختم ہوگا, دو تین مہینے کا سمے انہوں نے مانگا ہے. جیسے ہی وہ لوگ اپنی رپورٹ سرکار کو سونپیں گے تو اس میں کئی پردیشوں کا ادھیان کر رہی وہ سمیتیاں جہاں جہاں پر شراب بندی لاگو ہوئی تھی. اب وہاں کیا کمیاں رہی تھی اسے ہم دور کریں گے, جو اچھائیاں رہی شراب بندی کرنے کے لیے اسے ہم لاگو کریں گے. تو ان سب کے ساتھ, ان کے سماویش کے ساتھ شراب بندی کرنے کا نرنے ہماری سرکار نے لیا ہے جو بہت جلد لاگو کیا جائے گا. اب رہی شراب کے دکان کے سمے کی بات, تو جن لوگ ویرودھ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ بتائیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں جب 24 گھنٹے شراب بکتی تھی, اویدھ طریقے سے بھی شرابیں بکا کرتی تھی, صبح سے لے کر کے رات تک شراب دکان کھلی رہتی تھی, تب نظر نہیں آتا تھا کہ شراب کی دکانوں کا سمے کیا ہے. آمول چول پریورتن سمے میں کیا گیا ہے, وہ پرشاسنک بدلاؤ ہے. اور وہ کیوں کیا گیا ہے, جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ 9 بجے ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے رہتے ہیں, جو ویاپاری بھائی ہوتے ہیں اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں, بہت ایک ٹریفک کا ماحول ہو جاتا ہے دکانوں کے باہر. اسے دیکھتے ہوئے کلیکٹر کا لیٹر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ ویوستھاؤں کو دیکھتے ہوئے اس سمے کو آگے بڑھایا گیا تھوڑا سا. لیکن آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے جو پوائنٹس آپ نے رکھے ہیں, حالانکہ میں تو اتفاق نہیں رکھتی, لیکن پھر بھی آپ تو ایک جھٹکے میں پورے پردیش میں پورن شراب بندی کرنے والے تھے, پھر آپ نے اس کو ٹکڑوں میں کر دیا کہ بھائی ہم مطلب ہم نے سمیتی بنائی ہے. سمیتی کا سب سن لیجیے, بیان آپ نکال دیجیے, سن لیجیے ہم نے کب کہا, سن لیجیے صبح جی, سن لیجیے دقت راجنیتاؤں کی, چناوی بھاشنوں میں بھی کہا سر صبح جی, دقت راجنیتاؤں کی یہی ہو جاتی ہے کہ سوال ہی نہیں سنتے ہیں. آپ سوال سن لیجیے سر, پلیز آپ میرا سوال سن لیجیے کہ ہمیشہ یہی کہا کہ بھائی شراب بندی کرنے میں کیا دقت ہے. اور آپ لوگوں نے بہار کا بھی ادھارن دیا تھا, بھوپیش بگھیل اس وقت پردیش ادھیکش ہوا کرتے تھے جب آپ اور پرزور طریقے سے سدن سے لے کر سڑک تک آپ لوگ لڑائی لڑ رہے تھے, تو آپ لوگوں نے بہار کا ادھارن دیا تھا, آپ لوگوں نے گجرات کا, آپ لوگوں نے چندی گڑھ کا ادھارن دیا تھا, تمام پردیشوں کے ادھارن دے دیے تھے. اور پھر کہا تھا کہ جب ان پردیشوں میں پورن شراب بندی ہو سکتی ہے ایک جھٹکے میں, تو پھر چھتیس گڑھ میں کیوں نہیں. جس طرح سے آپ لوگ ٹائم پہ ٹائم بڑھاتے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ بہتر استھتی میں تو شاید رمن سنگھ کے وقت تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ اضافہ کرتے جا رہے ہیں, چار مہینے میں آپ کئی مدعے پریشانیاں ہو جائیں گی. پہلی بات ہے آپ نرنے پر بتائیے کون بہتر تھا. دوسری چیز جی, دوسری چیز جنتا نے جواب دے دیا کون بہتر تھا. اب دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شراب بندی نوٹ بندی کی طرح ایک بیوقوفی کا نرنے ہم نہیں کر سکتے کہ بنا سوچے سمجھے 8 بجے آئے کہ آج سے پیسے بند. ہمیں نرنے سوچ سمجھ کر کرنا ہے. جن پردیشوں میں سرکار نے شراب بندی کی ہے اس سے کیا فائدے کیا نقصان ہوئے ان کا ادھیان کر کے بند کرنا ہے, اور بستر کو نظر میں رکھتے ہوئے بھی بند کرنا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے سرکار کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. بستر سے سرگوجا تک سموچا پردیش ہے جس کا دھیان سرکار کو دینا پڑتا ہے. تو اگر کسی سمے میں ادھیان کے ساتھ نرنے لیا جا رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ غلط ہے. نرنے ہوگا اس بات کے لیے میں آپ کے چینل پر آج کہہ سکتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہ بھوپیش بگھیل جی نے کہا ہے تو نرنے ہوگا, شراب بندی اس پردیش میں ہوگی. شیوراج جی کہا ہے بھارتی جنتا پارٹی پورا کیا جائے گا. آخر جو وپکش میں پارٹی بیٹھی ہے بی جے پی اور جے سی سی جے کو کس وجہ کی جلد بازی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ٹائم فریم میں کریں گے. دیکھیے کچھ اس طرح دنیا بسا لیتے ہیں لوگ, ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ. جس پرکار کا 4-5 مہینے میں سرکار کا جو رنگت رہا ہے, یہ کہیں سے بھی شراب بندی کی اور تو جاتے وقت اثر نہیں دیکھتی ہے. کہتے تھے کہ شراب سے لوگوں کا گھر ٹوٹتا ہے جب وپکش میں تھے, اور ستا میں آتے شراب کی بوتل ٹوٹنے کی چنتا ہونے لگی. اب تو عالم یہ کہ پردیش میں پورے پردیش میں نعرہ چل رہا ہے کہ کانگریس سرکار کی دین پلاسٹک میں پلین, شراب پلاسٹک کی بوتل میں پروسا جا رہا ہے. یہ سرکار کی نیت سے کہیں سے شراب بندی کو رکھ رہے نہیں. میں 3 سے 4 پوائنٹ بتا دیتا ہوں.
जिस बात से आप भी कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखेंगे कि शराबबंदी का रखरखाव तो नहीं है, आपको बोतलों की चिंता हो रही है, मतलब शराबबंदी के क्या इसका आपने कदम उठा लिया है, टाइमिंग बढ़ा लिया, दाम आपने बढ़ा लिए, ये कहाँ से है? और कमेटी और सामाजिक संगठनों के नाम से 5-6 महीने में आपने जो जनता को गुमराह किया है, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी उसका आपको परिणाम दे दिया है, जिस परिणाम की आप बात कर रहे थे। ऐसा कोई सगा नहीं, कांग्रेस ने इसे ठगा नहीं, वोट बटोरने के लिए तमाम प्रकार की बातें इन्होंने कही, हर चुनावी सभा में कही, हर मंच में कही, हर सामाजिक संगठनों के पास कही, गली गली कहे, गांव गांव कही, और अब सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से प्रपंच रच रही है, ये शराबबंदी की ओर तो एक भी कदम अग्रसर जाता हो मुझे नहीं दिखता। सुबोध हरितवाल जी को जो लिखा पढ़ाकर इसकी दे दिया है, उसको आकर पढ़ रहे हैं वो, वास्तविकता क्या है, इस प्रदेश के किसान देख रहे हैं, आदिवासी देख रहे हैं। पांचवी अनुसूची को छोड़कर बाकी सारे जगह में शराबबंदी की जाएगी सरकार के आते, ये इनके नेताओं का कथन था। आप चाहे तो चुनाव के समय का इनका रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, उसके बारे कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। वास्तविकता ये है कि सरकार को इतना बड़ा राजस्व मिल रहा है, सरकार की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इस बात को बोलिए आप, अभी नहीं करेंगे हम, कब करेंगे उसको बता दीजिए। इस तरीके से गोल मोल घुमा कर जनता को गुमराह करने का प्रयास आपके नेता कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं। ये टाइमिंग बढ़ाकर कौन शराबबंदी का ध्यान नया प्रारंभ करना चाहते हैं, बात को बता दीजिए। समय बढ़ाकर शराब बेचकर शराब पिलाने की प्रवृत्ति को बढ़ाकर आप कौन सा शराबबंदी करना चाहते हैं, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे समझा दीजिए। बिल्कुल, हम सुबोध जी से भी पूछ लेते हैं। निश्चय जी, हम इसके पहले कई बार पूर्ण शराबबंदी को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। पार्टी कोई भी हो, जो भी सरकार में जाएगी, जो सत्ता पक्ष में रहेगी, मैं सुबोध जी आ रही हूँ, मैं निश्चय जी का कमेंट ले लेती हूँ। वो गोल गोल जलेबी तो बनाएगी ही, तुरंत एक्शन कोई नहीं लेगा, वो सिर्फ जलेबी बनाने में माहिर रहते हैं और जलेबी बना दी जाती है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, इसमें मैं शराबबंदी के मुद्दे को कांग्रेस, भाजपा और राजनीति से अलग होकर के देखता हूँ। ये मुद्दा जो पैदा हुआ है, ना ये कांग्रेस से पैदा हुआ है, ना भाजपा से पैदा हुआ है, ये घरों की, गरीब घरों की बर्बादी से, महिलाओं की पीड़ा से, भविष्य की चिंता से, पीढ़ियों की चिंता से पैदा हुआ मुद्दा है। ये हर घर में परेशानी लाने वाला मुद्दा है। और जन घोषणा के समय जब कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र लाया था, तो उन्होंने पूरा ग्राउंड रियलिटी में इसका अध्ययन करके इसको अपने जन घोषणा पत्र में लिया था कि हम शराबबंदी करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसको एकदम अलग दृष्टि से सोचने की जरूरत है कि जो बर्बादी शराब लेके आ रही है, आप जितने दिन तक उसको लागू नहीं करेंगे, आप उस बर्बादी के कहीं ना कहीं कारण होंगे अगर आप सत्ता में बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम शराबबंदी करना चाहते हैं, हमने उसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की। अरे भाई, बहुत सारी चीजें निर्माण की होती हैं जिसमें आपको समय लगता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बर्बादी लेके आती हैं। अगर कोई घर जल रहा है तो उसको तो तत्काल बुझाने की जरूरत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि समय सीमा पे बहस का मुद्दा है। हम लोग जब पहले इस पे बात कर रहे थे तो सरकार को आए 15 दिन 20 दिन हुआ था, जैसे आज सुबोध भाई बैठे हैं और वरिष्ठ नेता बैठे थे, तो बोले अभी तो 15 ही दिन हुआ है, सरकार आए, हमें 1 महीने का समय तो दीजिए, 2 महीने का समय तो दीजिए, हमने 2 महीने के लिए कमेटी बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी सुबोध भाई सारे कमेटी के सदस्यों के नाम भी नहीं बता पाएंगे। कमेटियां अगर बन गई, काम क्या कर रही हो तो बात की बात है। मैं ये गौरी भाई बैठे हैं, ये बहुत तीखी आलोचना हमारी झेलते रहे हैं अपने सरकार के समय में, अभी इनको हंसने का अवसर मिला है इसमें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको राजनीति से अलग हट करके मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी कमेटी ने क्या काम किया है, इसको बताने की अगर आप स्थिति में हो। दूसरी बात यह है कि जिन घरों में बर्बादी पहुंच रही है उसमें हम क्या राहत पहुंचा पा रहे हैं। और आप, ये बात सही है कि आप बोल क्या रहे हैं, ये एक बात होती है, आपका कृतित्व क्या बोल रहा है, आप कर क्या रहे हैं। आप काउंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, आपकी कमेटी काम करना शुरू नहीं कर पाई, कमेटी बनी नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसी कमेटियां, 3 कमेटियां, 2 नहीं है, 3 कमेटियां हैं, उसमें से एक आध कमेटी पूरी बनी भी नहीं है। आपने उसका समय आप बढ़ा दिया, मतलब लोगों को अब ये भरोसा होना खत्म हो गया है कि आप शराबबंदी की दिशा में बढ़ रहे हैं। एक दो काम ऐसा सरकार को करना चाहिए, मेरा आग्रह है, बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि एक दो काम ऐसे भी करें कि लोगों को लगे नहीं भैया ये शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये समस्या छत्तीसगढ़ की है जिसको जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिया। हमको बहुत उम्मीदें थी सरकार से, अभी भी उम्मीद है, लेकिन अभी साथ में थोड़ा सा गुस्सा और बहुत गहरी आशंका भी है। बिल्कुल सुबोध जी, जिस तरह से निश्चय जी ने सवाल खड़े किए, मैं उस सवाल का भी जवाब आपसे चाहूंगी। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि जो वादे किए गए थे, देखिए सरकार में आने के बाद हमने कई महिलाओं से बात की थी, जब आपकी विधानसभा चुनाव में जब आपने इतना प्रचंड बहुमत लेके प्रदेश में सरकार बनाई, तो उसके बाद
सबसे पहले महिलाओं ने यही कहा था कि प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई है, बस सरकार को पूर्ण शराबबंदी कर देनी चाहिए। यहाँ पे निश्चय जी ने कई सवाल खड़े किए हैं, उनका भी जवाब आपसे चाहूंगी। और क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं, और आपकी समिति ने क्या रिपोर्ट आपको दी है, इसका भी जवाब। और एक सवाल मेरा ये भी है सुबोध जी कि टाइम फ्रेम बढ़ा देने से क्या आपको नहीं लगता कि जो वक्त पे जो लोग थोड़ा बहुत पहले चले जा रहे थे अब वो लेट जाएंगे, घर में ग्रह कलेश भी होगा, पैसों की बर्बादी भी है, तमाम चीजें हैं। और आपने देखा भी होगा जितने भी आपराधिक आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं शराब से जुड़े हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइविंग को भी आपने देखा होगा, शराब को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई, नशे की स्थिति में किसी ने खून कर दिया, क्राइम भी तो बढ़ रहा है सर। आपको इन सब चीजों को देखना होगा, आपकी समिति आखिर कर क्या रही है। बहुत लंबा था पर उसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ। दो सवाल मुझे निश्चय भैया और गौरीशंकर भैया के वक्तव्य से मिला। पहला तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि इतनी ही अगर शराबबंदी के प्रति इनकी खिलाफत थी कि भाई शराब प्रदेश में बंद होना चाहिए और शराब इस प्रदेश को खराब कर रही है, तो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्यों एक भी बार शराबबंदी का जिक्र तक नहीं किया। हम क्यों 10 सालों से जब 2008 से हम बोल रहे थे शराबबंदी कीजिए इस प्रदेश में। मैडम मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए पूरी, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पर। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं है कि शराबबंदी कीजिए। हमने बोला है हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, पर भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम ना बोले जो इस प्रदेश में शराब के पैसे से सरकार से चुनाव लड़ रही थी, शराब के पैसे को लेकर के सारे लोग अपने कभी नान के पैसे से कभी शराब के पैसे से इन लोग अपना व्यवसाय चला रहे थे। तो शराब के मामले पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। निश्चय भैया ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं, इस प्रदेश की सरकार से लोगों को अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं कि हम शराबबंदी करेंगे। मैं निश्चय भैया को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और जो लोग आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने पूछा कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि कब होगी शराबबंदी या होगी कि नहीं होगी। हमने आते ही एक निर्णय दिया, 50 से ज्यादा दुकानें इस शहर में इस प्रदेश में बंद की, तो दुकानें बंद करना भी शराबबंदी के प्रति एक नियम है। कहीं ना कहीं हम चाह रहे, भैया मैंने आपको टोका नहीं था, हम लोग चाह रहे हैं कि शराब की बिक्री कम हो, हम चाह रहे हैं कि शराबबंदी इस प्रदेश में हो, पर नियमता होगी। आपने समिति के बारे में पूछा, भैया ने भी समिति के बारे में पूछा, समिति प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार बनाती है, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, शराब की जो शराबबंदी के प्रति जो भी निर्णय आएगा यदि वो आज सबमिट होगा तो मैं भूपेश बघेल जी को जितना जानता हूँ और जो इस प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि अगर आज वो निर्णय अपना जमा करेगी कि हमें शराबबंदी इस माध्यम से करनी चाहिए तो 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में निर्णय ले लेगी कि इस नियमों के तहत इस प्रदेश में शराबबंदी। लेकिन सुबोध जी चलिए, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जब तक इन तमाम शराब पीने की वजह से और जो टाइम फ्रेम बढ़ा दिया गया है, जो नुकसान हो रहा है प्रदेश की जनता का, ग्रह कलेश बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपराध, अगर हम क्राइम में देखें तो क्राइम में इजाफा हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी क्या प्रदेश सरकार लेगी। देखिए मैडम, मैं फिर बताना चाहता हूं कि इसके पीछे और भी बहुत सारे निर्णय हैं, कोई एक निर्णय नहीं है, इसके पीछे यही निर्णय है कि कहीं ना कहीं लोगों को। सर मेरा सवाल बेहद साफ है, तब तक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी सरकार, तब तक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे प्रदेश की सरकार की है, कोई बोलने की बात ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना, बस्तर से सरगुजा तक हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, उसमें कोई दो मत नहीं है। पर यदि किन्हीं कारणों से अगर निर्णय लिया गया है तो वो अल्पकालीन निर्णय है। मंत्री कवासी लखमा जी का भी आपने बयान सुना है, उन्होंने भी कहा है, उसे तो प्रशासनिक बयान भी आप मान सकते हैं। खैर, हमने जो समय होता है वो उसमें हमने लखमा जी को प्रचंड बहुमत के बाद शराब पार्टी करते हुए भी देखा था और वीडियो भी उनका जमकर वायरल हुआ था और फिर उनको आबकारी मंत्री भी बना दिया। वो तो खुद कहते हैं कि हाँ, खैर आपको सुधारना पड़ेगा अपना वक्तव्य। मैं फिर आपको बता दूं, एक मिनट मैडम, आप आगे नहीं बढ़ सकती इस बात से। आप इस बात से आगे नहीं बढ़ सकती अभी। आप बात पूरी, कवासी लखमा जी ने खुद चैनल पे आकर के कहा है कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया है। वो वीडियो पुराना था, वो फोटो पुरानी थी और जब वो फोटो आई थी तो कवासी लखमा जी ने स्वीकार भी किया था कि मैं बस्तर का आदमी हूँ। हाँ,
कोई तकलीफ नहीं है मुझे कहने में, ये होना नहीं चाहिए, ये स्वच्छ राजनीति में होना नहीं चाहिए। अगर इल्जाम लग रहे हैं सुधार ले अपना, ये गलत आपने कहा, ये इसको एप्रिशिएट भी किया जाता है सुबोध जी कि अगर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं और वीडियो में वायरल हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना ये भी बहुत बड़ी बात है। हम इसको एप्रिशिएट भी करते हैं सर, हम इसको एप्रिशिएट भी करते हैं। गौरी शंकर जी मैडम स्वीकार कर लीजिए, मैडम स्वीकार कीजिए पहले कि उन्होंने सर मैंने आपने शायद मेरे सवाल का जवाब आपने शायद सुना ही नहीं। मैंने कहा कि हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि अगर इल्जाम लगते हैं तो अगर उसके मंच से आके अगर उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है तो ये एक अप्रिशिएट वर्क है। गौरी शंकर जी जिस तरह से आप लोग भी अब जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, हालांकि हम प्रदेश के सिनेरियो पे चर्चा कर रहे हैं, अगर ज्यादा दूर ना जाऊं, अगर थोड़ा सा ही दूसरे प्रदेश में जाऊं और वहां के अगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की अगर बात की जाए तो वहां पे जहरीली शराब के चलते 23 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा लोग अस्पतालों में वो मतलब भर्ती हैं गंभीर अवस्था में। भाई आप पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्यों आप लोग वहां भी पूर्ण शराबबंदी नहीं करवा देते भाई? मतलब अगर एक जगह अगर पूर्ण शराबबंदी की मांग की जा रही है तो दूसरी जगह भी होना चाहिए ना, सिनेरियो सेम होना चाहिए सर। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, आपको साधुवाद। उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार वहां पर चुनाव लड़ रही थी, क्या शराबबंदी हमारे मैनिफेस्टो में शामिल था? अभी जो वर्तमान में हमने चुनाव लड़ा, क्या शराबबंदी हमारे मैनिफेस्टो में है? ये मतलब आप शराब बिक्री का समर्थन करते हैं? मेरा समय ये तो मतलब आप शराब बिक्री का समर्थन करते हैं? पूछने का जरूरत है जिन लोगों ने वोट बटोरने के लिए सब जुगाड़ दिखा दिए और समय बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी का समय भी हुआ है। इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हमारे समय समय नहीं बढ़ा था। हमारे समय में जब समय बढ़ोतरी की गई थी तो इनके एक बड़े नेता का बयान आया था, जब संवैधानिक पद में सुशोभित तो उनका नाम नहीं ले सकता मैं, उनका कहना था समय बढ़ाने का मतलब है किसान इस पैसे का शराब पिएगा, ये इस पार्टी के नेता की सोच है। अब आप हो सकता समय बढ़ा रहे होंगे तो किसान हो सकता अमृत पान कर रहे होंगे। देखिए साहब जब विपक्ष में रहते हैं कुछ पक्ष में कुछ, आपने शराबबंदी के नाम पे चुनाव लड़ा, आपको बम्पर वोट मिला, इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली, कहीं ना कहीं इस बात को आप जनता के सामने ठीक तरीके प्रस्तुत तो कीजिए। हमने कब कहा नहीं करेंगे, कब कहे नहीं करेंगे? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया भैया, इसकी बायोलॉजी भी समझ लीजिए, सुन लीजिए 100% होगी। मैं आपका समझता हूं, आप भी बोल लीजिए भैया 100% होगी, बस इतना कहना चाहता हूं। इससे बोल लीजिए आप, नहीं नहीं आप बोलिए लेकिन 100% होगी इस बात को याद रखिए। ये समय बढ़ाने से क्या शराबबंदी की और कौन सा ऐसा कदम अग्रसर हो जाएगा, इस सवाल का जवाब पूरे डिबेट के समय नहीं मिला। प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचकर आप कौन सा शराबबंदी का काम अध्याय नया प्रारंभ करना चाहते, इसका हमको जवाब नहीं मिला। और कवासी लखमा जी हो सकता है शराब अब छोड़ दिए होंगे, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव उनको शराब शराब का, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है, ऐसे में कहां शराबबंदी होगा। 100 बात की एक बात, शराब के सारे दुकान में अपने कैमरामैन को भेजिए, लगातार जिस तरीके से शराब के दाम में वृद्धि हो रही है, कहीं 100 में मिल रहा है, कहीं वही शराब 120 में मिल रहा है, तो सरकार का तगड़ा कमीशन शिवाजी जिस तरह के इल्जाम आप लगा रहे हैं शिवाजी, आपके घटक दल अगर कमीशन की बात भारतीय जनता पार्टी घटक दल की अगर हम बात करें, जब पंजाब में आपकी सरकार हुआ करती थी तो पंजाब को जिस तरह से बादल परिवार के आरोप लगे हैं इसको भी नहीं भूलना चाहिए। निश्चय जी जिस तरह की बातें राजनेता करते हैं और पूर्ण रूप से शराबबंदी होगी नहीं होगी और एक दूसरे पर बॉल फेंक देते हैं, क्या लगता है कोई एक मुकम्मल सॉल्यूशन निकल पाएगा? कहा है नेहरू गांधी की ये फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं की बातें कहती है, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हक नहीं बनता तो देश को शराबी किन लोगों ने बनाया, आजादी के बाद कौन लोग थे? मैं सुन लीजिए ना, हम चर्चा कर रहे हैं किस सिनेरियो पे आप हमेशा आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मुद्दे मत भटकाइए शिवाजी। निश्चय जी आपका कमेंट चाहूंगी शिवाजी, मतलब गाड़ी को कर 5 साल में मोदी जी ने बंद कर दिया। निश्चय जी भैया कोई बोलने का मौका दो भैया, ऑडियो थोड़ा कमजोर है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं। निश्चय जी मैं चाहूंगी कि आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए क्योंकि गौरी शंकर जी तो मतलब डिबेट को कहीं और ले गए। जी जी इसमें यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के समझने का विषय है। शराबबंदी जो है ये एक संवैधानिक मांग है, संवैधानिक प्रावधान है,
इसके इसका जो इतिहास है, स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी है उसका प्रमुख मुद्दा शराबबंदी था। हमारे देश में ये लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी गई कि आप शासक हैं, आप हमारे यहाँ की जनता को शराब में बर्बाद न करें और इसे बंद करें। दो तीन मैं तकनीकी बातें जरूर बोलूंगा। रेवेन्यू कोई मैटर नहीं है, हमारे प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए शराब से आता है, मगर उसमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा हो जाता है और लगभग 1500 से 1700 करोड़ रुपए की शराब खरीदी जाती है। पैसा कुछ नहीं बचता शासन के पास, केवल गरीबों के हिस्से में बर्बादी बचती है। दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स का जो इतिहास देश में है, हमारे देश में, वो दारूबंदी टैक्स के रूप में है। एक विकल्प राजस्व का प्रस्तुत किया था इसमें कामराज जी ने, और उस आधार पर सेल्स टैक्स लिया जाता है, जिसे हमारे प्रदेश से आज 25,000 करोड़ रुपए सालाना वसूला जाता है, जीएसटी का हिस्सा बन गया है वो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपको अगर इस मुद्दे पे बात करनी है तो बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, नहीं, आगे से हम चीजों को ठीक करें, उन गरीब घरों पर के बर्बादी को हम रोकें। जो गांधी बाबा का कहना है कि ये हमारे देश की तरक्की तब होगी, गरीब मजदूर किसान परिवारों की तरक्की तब होगी जब ये शराब में बर्बाद होने वाले पैसे और उसके कारण से बर्बाद होने वाली पीढ़ियों को हमको रोकना होगा और हम उन घरों में सुख शांति ला पाएंगे जैसा बिहार में हुआ। और उन्होंने बिहार में शराबबंदी हुई तो उन्होंने बात को समझते हुए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि समय का आमूलचूल परिवर्तन है, पर राज्य सरकार इस पर प्रतिबद्ध है कि हम इस प्रदेश में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करेंगे, जरूर करेंगे। दस सेकंड का निर्णय आने का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द करेंगे। देखिए आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, शराब पिलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर वो ब्रांड जो पहले उपलब्ध नहीं था उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। कहीं तो सरकार चलिए आप मतलब ठीक से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवाज जी चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चय जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सुबोध जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में शराब के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और जिस तरह से 2 घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है इसी को लेकर अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है और पूछा है कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। बहरहाल मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते, उनके लिए देश की